कोर्ट आईसीबी ने एसीजेएम कोर्ट संख्या एक में मजिस्ट्रेट के रीडर व बाबू को 500 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों वकील के मुवक्किल से इस्तगासे पर जल्दी तारीख देने व जमानत मुचलके की तस्दीक के बदले 1000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिस पर परिवादी वकील शहजाद खान ने इसकी शिकायत एसीबी से की तो इसका सत्यापन करवाया गया जो सही पाया गया। इस पर एसीबी ने रीडर गोपाल जैन व बाबू सुरेश चंद को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। एसीबी एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि परिवादी एडवोकेट शहजाद अली ने एक परिवाद दिया था कि एसीजेएम क्रम संख्या एक में तैनात रीडर गोपाल जैन व बाबू सुरेश चंद मुवक्किलों से जमानत मुचलके तस्दीक करने व अन्य कार्य करने के एवज में 1500 रुपए की मांग करता है और नहीं देने पर केस बिगाड़ने की भी धमकी देता है, जिस पर वकील ने एसीबी को मामले की शिकायत दी थी। सत्यापन सही पाए जाने पर दोनों को ट्रैप कर लिया गया। हमें हमारे परिवादी हैं, वकील हैं शहजाद खान, उन्होंने ये शिकायत दी थी कि गोपाल एवं सुरेश ये दोनों यहाँ एसीजेएम वन में कार्यरत हैं, एक तो रीडर हैं दूसरे वरिष्ठ सहायक हैं, दोनों ही प्रत्येक मामले में जमानत मुचल के तस्दीक करना हो या कोई तारीखें देनी हो वो बिना पैसे के काम नहीं करते, इनसे पैसे मांगते हैं। तो एक प्रकार से इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड दोनों ने गिरोह चला रखा था, बिना पैसे के काम नहीं करते थे। तो ये शिकायत हम पर प्राप्त हुई तो हमने इसका सत्यापन कल कराया था, तो सत्यापन के दौरान इन्होंने जमानत के मामले में 1000 रुपये ले लिए। सत्यापन हुआ, सत्यापन के पश्चात आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कराया गया, जिसमें कोटा सिटी की एसीबी की टीम, हमारे इंस्पेक्टर श्री अजीत और जो पूरी टीम है, हम लोगों ने इनको रंगे हाथ 500 रुपये तारीख लंबी नहीं देने के लिए लेते हुए पकड़ा है। दोनों को अभी निरुद्ध किया गया है, कार्रवाई यहां पर मौके पर जारी है।